हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज की वीडियो हमारी वापस से एशियन पेंट के ऊपर है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन अगर हम बोलें कि एशियन पेंट पे हमने पीछे वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद ही, मतलब उसके एक दिन बाद ही विसल ब्लोअर की सिचुएशन आई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि स्टॉक में आपको बाइंग या उसके रिकमेंडेशन दे, वहाँ से स्टॉक ने 9 to 10% की करेक्शन की। और आप मानो ना मानो, यही एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आपको ख़रीदना होता है, उस अच्छी कंपनी को ख़रीदना होता है जिसमें आपको विश्वास है, जिसमें बाकी इंडिया को विश्वास है कि हाँ, ये कंपनी तो चलेगी चलेगी, और जिसने आगे पीछे से कंस्टेंट रिटर्न देते हुए आई है कंपनी। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जो आपको वन एंड टाइम आई है किसी भी कंपनी के अंदर, ये सिचुएशन पहले भी बहुत सारी कंपनियों में आई है। आपने सर फार्मा में, आपने अगर आपकी होल्डिंग होगी तो उसमें भी आपने ये सिचुएशन फेस की होगी विसल ब्लोअर की। इन्फोसिस में अगर आपने फेस की है ये सिचुएशन, और इन्फोसिस एटलीस्ट सबके पास होना ही चाहिए, और अगर आपने वो सिचुएशन फेस की है तो 1 से 2 दिन की जो मैक्सिमम गिरावट होती है उसके बाद वो स्टॉक वापस से रैली करना चालू करता है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आगे जो सिचुएशन थी उसके बाद क्या रिएक्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन में, यहाँ आपको बाइंग करनी थी और यहाँ मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो नए आते हैं मार्केट में, और उन्हें ये नहीं पता होता कि मार्केट में कौन सा गिरता हुआ स्टॉक नहीं लेना चाहिए और कौन सा गिरता हुआ स्टॉक लेना चाहिए और उसे ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ भी तो बहुत से लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि ये स्टॉक आखिर मैं गिरते हुए स्टॉक को क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लास्ट में आपको बोला था एशियन पेंट इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो वीडियो किसी और स्टॉक पे थी, लेकिन वहाँ पे मैंने ये इस चीज़ को ऐड ज़रूर किया था क्योंकि मुझे याद रहना चाहिए कि वहाँ पे मैंने को उस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था, वहाँ से वो स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद भी मैंने उसे रिकमेंड किया था। इतना कॉन्फिडेंस आपको किसी भी अपने स्टॉक में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर की साइड जा रहा है। अगर मैं आपको एक दिन की बात करूँ तो आज में कंपनी ने 2.4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आज की कंपनी 3% के ऊपर चली थी, और यहाँ से अपर हाई अपर लो, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए कंपनी ऊपर की साइड जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो कि यहाँ से आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मंथ एंड मंथ हमारा चार्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ मंथ जब से करेक्शन चालू हुई है वहाँ से अभी तक उस लेवल पे तो नहीं पहुँचा है, लेकिन यहाँ भी अगर आप बाय करते हो तो यहाँ से आपको ऊपर की साइड करेक्शन से बच के और उसके ऊपर आप रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो ये जो ये पीरियड था यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, बहुत ही अच्छा, और वो जानते हैं कि आपको स्टॉक कहाँ बाय करना चाहिए, और ऐसी कंपनियों को ऐसी ही जगह पे बाय करने का मौका मिलता है। अच्छे अच्छे निवेशक इस चीज़ का वेट करते हैं, इस पीरियड का वेट करते हैं, और ऐसी ऐसी न्यूज़ों का वेट करते हैं जिनमें वो बाइंग कर सके। अब यहाँ से अब एक नया आप लेवल को अचीव कर सकते हो। यहाँ से अब मैं बता दूँ, यहाँ से जो ये लेवल्स आएंगे आपको, सबसे पहले ही आपको ये वाला लेवल मिलेगा जिसमें आपको टारगेट मिलेगा यहाँ से 3448 का, यानी यहाँ से आप 3500 के टारगेट यहाँ पे इजीली स्टॉक के अंदर देख सकते हो, अगर यहाँ से कोई अलग सिचुएशन ना क्रिएट हो इस स्टॉक के लिए। तो आप 3500 का टारगेट यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से 3500 का टारगेट यानी यहाँ से 20-30% ऊपर की साइड आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे बाई करने का एक और मौका आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए होगा क्योंकि जो आपको ईयर में आपको ये स्टॉक 30-40% रिटर्न देगा, यहाँ पे बाय करने की वजह से आप 50% तक के रिटर्न ईयर ऑन ईयर आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको एक रिवर्सल दिख गया है। आप आज के दिन और कल के दिन से जो रिवर्सल आ रहा है, वीकेंड से जो रिवर्सल आ रहा है स्टॉक के अंदर, वो एक पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, फेक जो लाइन नहीं बनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ से आप वापस से एशियन पेंट में अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बना के बढ़ सकते हैं आगे, और बल्क में ना खरीदे, अच्छी हिस्सेदारी खरीदे। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस जो है जो हमारी स्टॉक्स के ऊपर, वो 45% की बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी 37% की सेलिंग की रिकमेंडेशन है लोगों की। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ से ये स्टॉक वापस से उस लेवल तो नहीं जाने वाला जहाँ से ये अभी आया है, क्योंकि वो वन एंड टाइम इवेंट होता है और वहाँ पे वापस जाने का कोई चांस मेरे को नहीं नज़र आ रहा है। इवन इफ अगर कोई अलग न्यूज़ होती है तो वो अलग बात है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, P92 का है, बहुत ज़्यादा PE है, लेकिन आप इस कंपनी का P/E 90 से नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो
एक बहुत ही ज़्यादा हार्डली करेक्शन में ही आप ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ से पी तो नीचे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आर ओ 29% का, एक बेहतरीन कंपनी है एशियन पेंट के ऊपर। अगर मैं आपको डिटेल एनालिसिस करने के लिए बोलूँ तो शायद मेरे लिए वो स्टडी बहुत कम पड़ जाएगी, लेकिन आप खुद अपनी स्टडी कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। और एशियन पेंट अभी फ़िलहाल जो नए लोग हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एशियन पेंट को चूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिए बाकी लोगों